अस्सलाम फ्रेंड्स, आ रही हूँ, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने के साथ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रोडक्ट है मूंगफली। इसको मूंगफली भी कहते हैं, बेही मूंग भी कहते हैं, बेही दाना भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बेल आइकन ऑल करें। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मेरा चैनल एक इन्फॉर्मेशन चैनल है, आपको होलसेल और रिटेल प्राइस की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज हमारे पास प्रोडक्ट है बेही दाना, जिसकी होलसेल और रिटेल प्राइस आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बेही मूंग का फसल 90 डेज में तैयार होता है, मीन्स 3 माह के बाद। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस बेही मूंग को कैसे तैयार किया जाता है खाने के लायक। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम आपको होलसेल और रिटेल प्राइस बताएं, तो फ्रेंड्स, बेही मूंग की जो रिटेल प्राइस है वो है 400 रुपीज, 400 रुपए, और जो होलसेल में लेता है 5 केजी से ऊपर जो रेट है वो है 380 रुपीज, फाइनल 370 रुपीज तक है। थैंक फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, इसे खाने के लायक बनाने के लिए आपको तई की जरूरत है, जैसी तई पकौड़े में इस्तेमाल होती है वैसी तई की जरूरत है, और उसमें रेती की जरूरत है। इसमें ईंटें वगैरह या किसी जगह के लिए इस्तेमाल होती है ना रेती, वही रेती जो आप छान के उसे इस्तेमाल कर तई में डालें। और एक बात ज़रूरी मेरी सुने, जे आप इसमें ऐसे ही आप मूंगफली डालेंगे तो आपकी मूंगफली पक जाने के बाद ब्लैक सी हो जाएगी या किसी और शिकल में। तो आप इसे तई में डालने से पहले आप मूंगफली को सरसों के तेल डाल के उसमें और उसे अच्छी तरह से मसलें, उसके बाद आप रेती में डालें जो तई है। जब पक जाएगी तो आपको मूंगफली बहुत खूबसूरत किस्म की लगेगी और आपको ऐसी लगेगी कि इसमें यह होगा कि आपको जलने की चांसेस कम हो जाएंगी और उसमें खूबसूरती की जो रौनक है वो एक कशिश ज़्यादा हो जाएगी।